चैनल अभी मैं हूँ मालवन में एंड इस वीडियो में मैं आपको मालवन के कंप्लीट टूर आइटिनरी देने वाली हूँ। लाइक यहाँ पर कैसे जाते हैं, कहाँ पर स्टे करना है, फूड ऑप्शन, देन बेस्ट प्लेसेस टू विजिट एंड ये सब के साथ मैं आपको कुछ हिडन प्लेसेस के बारे में भी बताने वाली हूँ जो मालवन में है। तो ये सारी डिटेल्स जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर जाने के क्या क्या डिफरेंट वेज है। फर्स्ट इज बाय फ्लाइट, नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन गोवा एंड नियरेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट इज इन चिपी, फ्रॉम वेयर यू कैन बुक अ कैब और टेक अ ऑटो टिल मालवन। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज बाय ट्रेन, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज कुड़ाल, कुड़ाल रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो या फिर गवर्नमेंट बस मिल जाएगी जो आपको मालवन तक ड्रॉप कर देगी। देन थर्ड ऑप्शन इज बाय बस, यहाँ पर गवर्नमेंट बसेस भी आती है एंड प्राइवेट बसेस भी आती है, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो जिसका बुकिंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड लास्ट ऑप्शन इज बाय ओन प्राइवेट व्हीकल, मैं यहाँ आई प्राइवेट एसी स्लीपर बस से जिसका बुकिंग मैंने रेड बस से किया था और ये मुझे बहुत ही कंफर्टेबल ऑप्शन लगा। अब आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन जानेंगे यहाँ के स्टे के ऑप्शन। मालवन में बजट से लेकर लग्जरियस दोनों टाइप ऑफ स्टे अवेलेबल है जिसका बुकिंग आप booking.com, Agoda या फिर उनको डायरेक्टली कॉल करके कर सकते हो। यहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ स्टेज है लाइक होम स्टे, बीच फ्रंट स्टे, होटल स्टे एंड एक्सेट्रा, जिसमें से मैंने स्टे किया था विकीज गेस्ट हाउस में जो कि मालवन बीच से 5 मिनट की डिस्टेंस पर है। यहाँ काफ़ी स्पेशियस रूम्स अवेलेबल है एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट और इनका इन हाउस रेस्टोरेंट भी है जहाँ बहुत ही टेस्टी सी फूड मिलता है। ऑल्सो इनका स्कूबा डाइविंग का पैकेज भी है जिसका कॉस्ट है 1,200 रुपीज़ पर पर्सन। तो अगर आप भी यहाँ स्टे करना चाहते हो तो इसका बुकिंग लिंक एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। अब आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन बढ़ेंगे इसके डे टू डे आइटिनरी की तरफ, बट बिफोर दैट मैं आपको इसकी ट्रैवल जर्नी के बारे में बताऊंगी। अगर आप वीकेंड प्लान कर रहे हो तो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम थर्सडे इवनिंग और नाइट। थर्सडे इवनिंग की कोई भी ट्रेन या फिर बस आप पकड़ना जो आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ड्रॉप कर देगी। तो मॉर्निंग में मालवन पहुंचते ही यू कैन हायर अ बाइक ऑन रेंट जो आपको मालवन बस डिपो के पास से मिल जाएगा जिसका कॉस्ट है अराउंड 400 to 500 रुपीज़ पर बाइक। तो बाइक लेके चेक इन करके फ्रेश अप वगैरह होके चलेंगे डे वन के फर्स्ट लोकेशन पर जो है सिंधुदुर्ग फोर्ट। सिंधुदुर्ग फोर्ट ये पानी में है जहाँ जाने के लिए मालवन बीच से बोट्स निकलती है। बोट का चार्जेस है 100 रुपीज़ पर पर्सन फॉर रिटर्न जर्नी और ये कुछ 10 मिनट्स की जर्नी है। सिंधुदुर्ग फोर्ट पहुंचते ही वहाँ एंट्री चार्जेस लेते हैं, 5 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस है, तो वो लेके चलेंगे हम अंदर। एंट्रेंस के यहीं पर गाइड्स भी अवेलेबल होते हैं जो 500 रुपीज़ पर ग्रुप चार्जेस लेते हैं जिनसे आपको इस फोर्ट की कंप्लीट हिस्ट्री जानने मिलेगी। तो मैंने भी वहाँ तक एक गाइड लिया था जिन्होंने हमें इस फोर्ट की सभी पॉइंट्स घुमाया लाइक मेन दरवाज़ा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हैंड एंड फुट प्रिंट्स, उनका टेम्पल, स्वीट वाटर वेल्स, नगार खाना, बुरुज, तोफ, सीक्रेट टनल, भवानी देवी मंदिर एंड एक्सेट्रा। ये फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 1664 में बिल्ड किया था और इसके चीफ आर्किटेक्चर थे हीरोजी इंदुलकर जी। ये काफ़ी बड़ा फोर्ट है, इसे पूरा एक्सप्लोर करने में अराउंड 1 आवर लगता है। इफ़ आप सिंधुदुर्ग फोर्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर यहाँ आई बटन पर दे दूंगी। सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग सिंधुदुर्ग फोर्ट यू कैन विजिट मालवन बीच जहाँ से सनसेट काफ़ी सुंदर दिखाई देता है और वहीं पे सनसेट के टाइम पे फिश ऑक्शन भी होता है जहाँ हर टाइप के फिश सेल करने के लिए रखे जाते हैं जो कि एकदम फ्रेश होते हैं। आप भी यहाँ से फ्रेश फिशेस एकदम लो प्राइस में बाय कर सकते हो और अपने होम स्टे के रेस्टोरेंट से कुक करवा के ले सकते हो। डे टू में अर्ली मॉर्निंग उठ के यू कैन गो फॉर स्कूबा डाइविंग एंड ऑल्सो डू सम वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज। अब मालवन में ज़्यादातर लोग इसी के लिए आते हैं तो यहाँ मल्टीपल बीचेस पर स्कूबा एंड वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती है लाइक तारकरली बीच, देवबाग बीच, सुनामी आइलैंड, शिवला बीच एंड एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द लोग तारकरली एंड देवबाग जाते हैं फॉर वाटर स्पोर्ट जिसमें जेट स्की, पैरासेलिंग, कायकिंग, बनाना राइड, सोफा राइड जैसे अलग अलग एक्टिविटीज़ करने मिलती है जिसका पैकेज कॉस्ट होता है अराउंड 1,000 रुपीज़ पर पर्सन।
और स्कूबा के दो टाइप्स है, एक है नॉर्मल वाटर स्कूबा एंड दूसरा है डीप वाटर स्कूबा डाइविंग। फॉर डीप वाटर स्कूबा डाइविंग अराउंड 800 टू 1000 रुपीज पर पर्सन चार्जेस होता है, जो करने के लिए आप देवबाग बीच जा सकते हो। वहां से आपको बोट से डीप वाटर के लिए काफी अंदर तक लेके जाते हैं, जिस राइड में यू विल गेट टू सी सम जेलीफिश वगैरह, और फिर प्रॉपर सेफ्टी गियर्स के साथ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और फिर हमें स्कूबा के लिए लेके जाते हैं। हमारे साथ नीचे दो गाइड आते हैं, एक जो हमें नीचे तक लेके जाता है और दूसरा फोटोज एंड वीडियोस क्लिक करता है। एंड फॉर नॉर्मल वाटर स्कूबा यू कैन गो एट तारकरली बीच और चूला बीच, जो कि बाकी वाटर स्पोर्ट के पैकेज में इंक्लूडेड होता है। मेरा तो यहाँ स्कूबा एंड वाटर स्पोर्ट का बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, तो आप भी मालवन आके एक बार ये एक्सपीरियंस जरूर लेना। डे 3 दैट इज लास्ट डे, मैं आपको लेकर जा रही हूँ सीक्रेट प्लेस पर, तो चलो चलते हैं। सो आफ्टर ऑल द प्लेसेस, जिस हिडन प्लेस के बारे में मैं बात कर रही थी वहीं पर मैं आपको लेकर जा रही हूँ। ये मालवन से कुछ ही डिस्टेंस पर है और इनकी डायरेक्शन लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड ये जो हिडन प्लेस है उनका नाम है न्यूती फोर्ट एंड न्यूती बीच। तो सबसे फर्स्ट मैं जा रही हूँ न्यूती फोर्ट पर। सो गाइज, ये है न्यूती फोर्ट। हमने पीछे पार्किंग में ही बाइक पार्क की है, देन थोड़ा सा एक स्मॉल 5 मिनट्स का ट्रैक है वो करके आना है आपको, देन आप यहाँ पर आ सकते हो। न्यूती फोर्ट जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बिल्ड किया था टू वॉच ओवर कार्ली क्रीक एंड वेंगुर्ला बंदर, तो इसलिए ये बनाया गया था। एंड ये फोर्ट जो है वो सिंधुदुर्ग फोर्ट के बाद बनाया गया है, बट अभी ये काफ़ी रूइंस में चला गया, यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पीछे कोई भी नहीं है, पूरा का पूरा खाली होता है ये फोर्ट। ज़्यादातर टूरिस्ट को ये फोर्ट के बारे में पता नहीं है, बट मेन चीज़ जो मैं आपको इस फोर्ट पर दिखाने के लिए लेके आई हूँ वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो गाइज, ये है वो व्यू जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, बहुत ही सुंदर यहाँ से व्यू दिखाई देता है। एंड ऑल्सो इसी के साथ इस फोर्ट की दूसरी साइड भी मैं आपको लेके जाऊंगी, वहां से भी बोगवे बीच का बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखाई देता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये फोर्ट रुइंस में चला गया है, तो फोर्ट पर तो ऐसे कुछ देखने के लिए है नहीं, बट इस फोर्ट से बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू दिखाई देते हैं, तो वो आप डेफिनेटली देखने यहाँ पर आना। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बुरुज भी है, दैट इज़ वॉच टावर, तो वो भी आप देखने जा सकते हो। मैंने तो ये फोर्ट पूरा देख लिया, तो अब मैं ये फोर्ट देख के जा रही हूँ न्यूती बीच पर, तो चलो चलते हैं। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ न्यूती बस स्टैंड, यहाँ तक गवर्नमेंट बसेस जो है वो आती है, एंड यहाँ से एक 5 मिनट्स का वॉक है टिल न्यूती बीच। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक होम स्टे भी है, तो अगर आप न्यूती बीच के आसपास स्टे करना चाहते हो तो आप ये होम स्टे में स्टे कर सकते हो। एंड होम स्टे के अपोजिट में ही एक घर है जहाँ पर एक स्मॉल दुकान है, जहाँ पर आपको पानी एंड कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है वो मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर पानी वगैरह पी के हम चलेंगे बीच की ओर। तो गाइज, मैं फाइनली अभी पहुंच गई हूँ न्यूती बीच पर। मेरी राइट साइड में न्यूती बीच है एंड लेफ्ट साइड में एक स्मॉल बैक वाटर्स है। तो अगर आप न्यूती बीच के पास ही में स्टे करना चाहते हो तो एक तो मैंने वो आपको ऊपर बताया जो नेहाज होम स्टे करके है, वो एक ऑप्शन है। एंड सेकेंड है टॉप रेटेड होटल, दैट इज न्यूतीज नेस्ट होम करके, जो यहाँ पर बैक वाटर्स के यहीं पर है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है स्टे करने का। वहाँ पर ऐसे स्मॉल स्मॉल टेंट्स है जिसमें आपको स्टे करने मिलेगा, तो उसका भी मैं आपको बुकिंग लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो चेक कर लेना। तो ये बैक वाटर्स तो देख लिया, अब चलेंगे बीच की ओर। ये है न्यूती बीच, आप देख सकते हो कितना सुंदर बीच है ये। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है बीच, मैं जब भी मालवन आती हूँ तो ये बीच पर एक बार ज़रूर विजिट करती हूँ, बिकॉज ये मेरा वन ऑफ दी फेवरेट बीच है। अब ये मेरा फेवरेट बीच क्यों है, इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस है, उसमें से एक है कि बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखाई देता है यहाँ से। आप देख सकते हो इसके दोनों भी साइड क्लिफ है स्मॉल, एंड बीच ही में ये बीच है जिसका पानी बहुत ज़्यादा क्लियर है। अब इसमें बिंदास स्विम कर सकते हो, बहुत सेफ है स्विम करना। एंड सबसे मेन रीज़न ये मेरा फेवरेट बीच होने का इज़
ये बहुत ही कम लोगों को पता है, तो यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। एंड मुझे पहले से ऐसे क्राउडेड प्लेसेस एंड क्राउडेड बीच पर जाना पसंद नहीं है, मुझे बीच पर जाके रिलैक्स करने का बहुत ज़्यादा मन होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे ग्रुप के अलावा और कोई भी नहीं है, पूरा का पूरा बीच खाली है, तो ऐसे लग रहा है कि ये प्राइवेट बीच है। न्यूती बीच पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके आपका रिटर्न जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। अब लास्ट डे दैट इज डे 4 में अगर आपके पास रिटर्न जर्नी के पहले थोड़ा टाइम बचता है तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कुछ और बोनस प्लेसेस बताऊंगी जो आप विजिट कर सकते हो। सो गाइज, ये थी मालवन की आइटिनरी एंड मालवन के कुछ बहुत ही अमेजिंग प्लेसेस जो हमने एक्सप्लोर किए। मुझे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर कभी आप भी मालवन आती हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड उसी के साथ आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।